हेलो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि 11th का रिज़ल्ट कैसे निकलने वाला है, या एक मान लो कि कैसे निकलता है। चलिए दोस्तों, मैं आप वीडियो शुरू करता हूँ। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी दिखा दीजिए। सिखाइए कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे रिज़ल्ट निकलेगा और आप मार्क्स देख पाएंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले लिखना है एजुअल एडुअल डॉट निक। ये शुरू में आप देख सकते हैं, ये आ गया एडुअल डॉट निक डॉट इन रिजल्ट। ये ऊपर वाले में क्लिक करिए और ये सीधा आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक पे ले जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिज़ल्ट 2021। यहाँ दोस्तों, आज आपका रिज़ल्ट नहीं निकलने वाला है। जब जिस दिन आपका रिज़ल्ट निकलेगा उस दिन आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और इसको टैप करना है। और ये इसमें से फिर दो ऑप्शन आएंगे, मैं बता दूं दोस्तों आपको। ये जो पहला वाला है कंपार्टमेंट वाले के लिए है और दूसरा वाला बिना कंपार्टमेंट, जो पहले वाले में जो पास हो जाते हैं। तो आपको जो शुरू शुरू में निकालना है तो आप ये वाला पे टिक करिए और दूसरे जो कंपार्टमेंट आता है उसको ये वाला पे टिक करिए। चलिए दोस्तों, आप इस लिंक पे सेकंड लिंक पे क्लिक करते हैं। अगर आपको मोबाइल में निकालना है तो ऐसे निकालिए और लैपटॉप में निकालना है तो ऐसे निकालिए, कोई उसमें वो क्लैरिटी पूरी नहीं करनी पड़ती। अब इसमें आपको दे रखा है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एनुअल रिजल्ट अकेडमिक सेशन 2021। अब आपको यहाँ भरना है। अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट आईडी भरनी है, जैसे मैं बताता हूँ। ये स्टूडेंट आईडी है और ये फिर ये क्लास आता है, आप कौन से स्टैंडर्ड के हैं, 9th के, आर्ट्स लिया, कॉमर्स लिया है, वोकेशनल लिया है या साइंस लिया है। तो आपको आर्ट्स भरना है तो आर्ट्स लीजिए, साइंस लें कॉमर्स भरिए। मैं आर्ट्स भरता हूँ इसमें। तो आपको सेक्शन सिलेक्ट करना है, ए बी या बी, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, कुछ भी क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं, ए बी सी डी तक जेड तक दे रखा है। तो मैं इसमें डी भरता हूँ और फिर आपको उसमें डेट भरनी पड़ेगी जो आपने स्कूल में वो टीसी में जो दिया था आपने, स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको भरना पड़ेगा। मैं भर देता हूँ और फिर आपको ये आपको दिख रहा है जो ब्लू कलर का, फिर आपको इसको लिखना है। देखिए दोस्तों, मैंने ये ब्लू कलर का जो लाइन था वो मैंने भर दिया है और फिर आपको ये सबमिट करना है। देखिए दोस्तों, अभी तक रिज़ल्ट नहीं निकला है इसलिए ये पास नहीं हो रहा है, ये आगे नहीं जा रहा है। इसलिए जब आपका रिज़ल्ट निकल जाएगा तभी आप कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मेरी वीडियो देखिए फुल, तब आपको पता चल जाएगा कैसे 11th का रिज़ल्ट निकलता है, साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स, कुछ भी, कोई से भी आर्ट्स का निकल सकता है, कॉमर्स का निकल सकता है, साइंस का निकल सकता है, कोई से भी स्ट्रीम का आप निकाल सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को बेल आइकन प्रेस करके वीडियो शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। थैंक यू।